अस्सलामुअलैकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे एक बहुत ही मजेदार और खूबसूरत डिजर्ट। इसका नाम है ब्रोकन क्लास जेलो भी कहा जाता है, स्टेन्ड ग्लास जेलो भी इसे कहा जाता है। कुछ चीजें जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ जो बहुत खास है इस रेसिपी के लिए, वो है जेली को तैयार करना। तो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे 5 कलर्स। मैं भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने येलो, थोड़ा सा लाइटर रेड कलर यानी कि पिंकिश में आ गया हुआ है, ब्लू, ग्रीन और मेरून डार्क कलर इस्तेमाल किया है। जेली बनाइएगा और इसे सेट हो जाने दें अच्छी तरह की। ये कम्प्लीटली आप देख लें, फर्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस स्टेप में आपने जल्दी करने की कोशिश की तो फिर ये बिल्कुल, जब आप जेली काटेंगे तो ये हलवे की तरह जो है टूटनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है। सो इट नीड्स टू बी वेरी वेरी फर्म, ठीक है। तो ये देख लें, ये जेली हो गई। और जो बाकी की चीज़ इसमें हमने ऐड करनी है, वो आपको चाहिए डबल क्रीम। ये आपको आसानी से कार्टन्स में, पैकेट्स में मिल जाती है, डबल क्रीम हो जाए, व्हिपिंग क्रीम, थिकनिंग क्रीम, जो आपको मिल जाए, स्वीटेंड कंडेंस मिल जाएगा, ये मीठा गाढ़ा दूध आपको कैन में मिलता है। हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी आपको चाहिए, नलके का पानी सादा आपको वाटर दोबारा चाहिए होगा। जिलेटिन, ये भी आपने काफ़ी बार मुझसे पूछा है कि ये हलाल है कि नहीं, आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, चाहे आप अब्रॉड में रह रहे हैं या फिर पाकिस्तान इंडिया में। अगर आपको शॉप्स में नहीं मिलती है तो आप बाय ऑल मीन जो है इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वनीला का एसेंस बीच में जाएगा, चंद चीज़ें हैं लेकिन बहुत मज़ेदार और खूबसूरत बनता है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस। अब आपने क्या करना है, कोई भी शार्प नाइफ लेंगे और बहुत ही ध्यान से आपने स्ट्रेट लाइंस डालनी है, क्योंकि हमने इन्हें स्क्वायर जो है वो काटना है। ज़्यादा बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए, वो ज़रा फिर खूबसूरत ही दिखेगा। दरमियाने साइज के कर लेते हैं, बोल घुमा लिया और उसके बाद दोबारा इस तरीके से तमाम जेली को आपने इस तरीके से काट लेना है। और फिर आपको नेक्स्ट दिखा, काट लेने के बाद आप एक अलहदा बोल लेंगे और ये देख लें, इसमें आपने जो है जेली को इसी के से रखते चले जाना है। तो तमाम जेली को हम यूं पहले काट लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट दिखा। तो देख लें, इसी के से आपने काट लेना और हल्के हाथों से आपने जो है इसको यहाँ पर मिक्स कर लेना है और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा। अब आप एक बोल लेंगे और उसमें आप जो है पहले सादा पानी डालेंगे, ये गर्म नहीं है, सादा पानी चला गया। और इसके ऊपर आपने जो है जिलेटिन यूं डाल करके आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा रेस्ट होने देना है और उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। ये देख लें, 1 मिनट में होता है, काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे हॉट वाटर यानी कि उबलता हुआ पानी और अच्छी तरह इसको पहले यहाँ पर मिक्स कर। अब आपको चाहिए एक ब्लेंडर का जग, उसमें आप डालेंगे जिलेटिन जो हमने पहले अब यहाँ पर डिजॉल्व कर ली हुई गर्म पानी के साथ। बीच में जाएगी क्रीम, वनीला का एसेंस डाल लें और जाएगा इसमें कंडेंस्ड मिल्क, मीठा दूध, और अच्छी तरह हम इसको यहाँ पे ब्लेंड करेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। अब आप क्या करेंगे, आपको चाहिए एक बंडन पैन, उसमें जो ये जेली है आपने ऐड कर लेनी है। मिक्सचर बीच में डाल लिया, उसके बाद जो हमने ये ब्लेंड किया हुआ है ये तमाम जो है आपने इसके अंदर में फिल कर लेना है। इस तरीके से आपने इसको फिल कर लेना है। अब आप इसे कवर करेंगे विद क्लिंग फिल, जो एक प्लास्टिक सा होता है, बिल्कुल आपको रैप में मिलता है, वो उसके ऊपर कवर कर लें और उसको फ्रिज में रख दें 6 से 8 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह जो है ये जैसा भी बिल्कुल लिक्विड के फॉर्म में, थोड़ा सा ये जम जाए क्योंकि इसमें जिलेटिन है। तो ये है कि 8 घंटे के बाद आपको दिखाएंगे कि इसका रिजल्ट माशाल्लाह किसा दे। तो ये देख लें, अब आपने जो है, मैंने इसे ओवरनाइट रखा था, ये परफेक्टली माशाल्लाह सेट हो चुका हुआ है। सिंपली आपने क्या करना है, हाथों से आपने इसको जो है थोड़ा सा अपनी तरफ को खींचना है। तो अगर आप देखें गौर से तो ये देख लें, ये बिल्कुल आसानी से जो है डिश को रिलीज़ कर देता है। और जो मिडिल का भी हिस्सा है वो भी आप ये देख लें, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको स्ट्रेच कर लेना है, बाहर की तरफ खींच लेंगे तो ये इजीली रिमूव हो जाता है। अब आपने क्या करना है, जिस भी प्लेट पर आपने इसको डिश आउट करना है उसे आप यूज़ के ऊपर रखेंगे और आपने इसको यूँ फ्लिप कर लेना है। फ्लिप कर लेने के बाद हल्का सा यहाँ पे थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, इसको आप जिगल करेंगे और ये आसानी से रिमूव हो जाता है। तो ये देख लें, परफेक्टली निकला आता है। एक और आपको तरीका बता देता हूँ, अगर आपसे नहीं रिलीज़ हो रहा है, आप पूरा पैन जो मैंने आपको दिखाया था, आप एक बोल के अंदर में थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें और बीच में इसको सिर्फ 1 से 2 सेकेंड्स के लिए छोड़ दें, ये आसानी से निकल आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक आधा स्लाइस काट करके दिखा देते हैं। और इसे आप डिश आउट कर लेते हैं।
तो ये देख लें, एक आधा पीस आपको काट कर भी दिखा दिया। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाइट और डेलिकेट बनता है। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, विच इज cookwithfaiza.net पर। जरूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।